एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स वन। आज हम नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 ऑफ द बुक विच वी आर यूजिंग, एंड द चैप्टर इज अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो इसमें आज के टॉपिक में हम जो मफरूजे हैं या जो आइडियाज या जो फंडामेंटल्स हैं जिनकी बुनियाद पर क्वांटम मैकेनिक्स है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज अ वेरी फेमस जनरल इक्वेशन विच वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो चलिए, पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहला जो पास्टुलेट है वो है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम कैन बी स्पेसिफाइड एट ईच टाइम टी बाय अ स्टेट वेक्टर साई। तो क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम कोई सिस्टम फिजिकली तो हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा होता, तो हम किसी भी सिस्टम को फिजिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो मैथमेटिकल सिंबल यूज करेंगे वो होगा आपका स्टेट वेक्टर साई। तो ये जो साई है जिसको कि हमने चैप्टर 1 और 2 में हमने डिस्कस किया, दैट इट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ फील्ड। अब हम इसको कहेंगे कि ये एक सिस्टम की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, जो स्टेट वेक्टर जो साई जिसको हम कह रहे हैं, ये जो साई है वो हिल्बर्ट स्पेस में मौजूद होता है, ये हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था। मोर ओवर, मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि ये जो साई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि ये जो साई है जिसको हम सिस्टम का नाम दे रहे हैं, कंटेन्स ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। तो इसको जिसको हम साई कह रहे हैं, कैट ऑफ साई को, इसके पास सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। सारी इंफॉर्मेशन मीन, अगर हम कहते हैं कि जो सिस्टम है हमारा साई, फॉर एग्जाम्पल ये किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि उस पार्टिकल की स्पिन कितनी है, उसका मोमेंटम कितना है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वट एवर इट इज रिलेटेड विद द पार्टिकल, वो इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद है या मौजूद होती है, आप ये कह सकते हैं। सो ये बन गया आपके पास स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक हो गया। अब इसको ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी हमारे ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। ये दो मिलते जुलते लफ्ज हैं, बट बेसिकली इनकी डेफिनेशंस डिफरेंट हैं। ऑब्जर्वेबल बेसिकली क्लासिकल वर्ल्ड में से हम फैक्ट की बुनियाद पर कि कोई भी चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम ऑब्जर्वेबल का नाम देते हैं। और ऑपरेटर्स जो है ये क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में से है ये लफ्ज। ऑपरेटर्स मीन कि ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को रिलेट करती है। इसको हम पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होगा। टू एवरी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी ए, कि कोई भी ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी ए जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकें, कॉल्ड एन ऑब्जर्वेबल, तो वो क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेबल, ठीक है। वेलोसिटी है, अगर कोई कार जा रही है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो वेलोसिटी इज एन ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इसकी चीज को। तो कहते हैं कि टू एवरी फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी, तो हर वो मेजरेबल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की, लेट से हम उसको ए नाम दे देते हैं उस क्वांटिटी को जो हम मेजर कर सकते हैं, कॉल्ड एन ऑब्जर्वेबल, तो उसको हम ऑब्जर्वेबल का नाम देंगे। देयर इज अ करस्पोंडिंग लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर ए। तो कहते हैं कि हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से या उसके कंपैरिजन में या उसके करस्पॉन्डिंग एक लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, उसको भी हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर आप देखें ये स्मॉल कैप हमने ऐड की हुई है,
सो नाउ दिस क्वांटिटी बिकम्स एन ऑपरेटर. जो भी ऑपरेटर होगा उसके ऊपर हम ऐसे कैप यूज करेंगे इन क्वांटम मैकेनिक्स. सो हुज आइगन फंक्शंस. अब ये जो एक ऑपरेटर है इसकी वो बात कर रहे हैं. पहले उन्होंने कहा कि हर फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी का जो है उसका एक ऑपरेटर होता है. तो मेजरेबल क्वांटिटी क्लासिकल वर्ल्ड से है. अब उसको क्वांटम में जब रिलेट करना है तो उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर लेंगे उसका. और ऑपरेटर जो है वो कैप से रिप्रेजेंट होता है. तो ये हमारे पास कोई भी क्वांटिटी ए थी और ये ए कैप आ गया उसका ऑपरेटर. अब वो कहते हैं कि ये जो ऑपरेटर हमने लिया ए हुज आइगन फंक्शंस फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस. इस ऑपरेटर की जो आइगन फंक्शंस होंगे ठीक है वो फंक्शंस जो इस ऑपरेटर पर ऑपरेट होंगे या ऑपरेट हो सकते हैं वो कंप्लीट बेसिस बनाते हैं. सिंपली मीन्स दैट एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी हैज अ करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर. तो हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इट कैन बी मोमेंटम एनर्जी ऑपरेटर स्पिन एनीथिंग ये सब ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं. क्वांटम मैकेनिक्स में इनका करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है. और हम फिर उस स्टेट ऑफ अ सिस्टम वो जो वेव फंक्शन या सिस्टम आई है उसको ऑपरेटर पर अप्लाई करवा के और फिर हम उसका आंसर लेते हैं. ये हमारा थर्ड पासवर्ड होगा जिसको नाम दिया जाता है मेजरमेंट्स एंड आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर्स. बात समझ आ रही कि द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए मे बी रिप्रेजेंटेड फॉर्मली बाय द एक्शन ऑफ ए ऑन अ स्टेट वेक्टर साई सेट ऑफ साई. यानी कि क्लासिकली हम तो कहते हैं ना कि हमने किसी चीज को मेजर कर लिया. अब क्वांटम मैकेनिकली हम किसी भी चीज को मेजर नहीं हम उसको बेसिकली कैलकुलेट करते हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ठीक है तो कहते हैं हम कोई भी मेजरमेंट आप ऑब्जर्वेबल ए की अगर लेना चाहते हैं ठीक है तो हम उसको लेंगे ऑपरेटर ए की शक्ल में और फिर उसके ऊपर ऑपरेट करवाएंगे स्टेट वेक्टर कैट ऑफ साई को. सो द ओनली पॉसिबल रिजल्ट ऑफ सच अ मेजरमेंट इज वन ऑफ द आइगन वैल्यूज. तो इससे जो है जो जब हम ऑपरेट करवाएंगे ऑपरेटर ए को स्केट ऑफ साई पर तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट निकलेगा वो बेसिकली मेजरमेंट का रिजल्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ एन आइगन वैल्यू ए एन विच इज रियल. फॉर एग्जाम्पल हम विलास्टी मेयर करते हैं और हम मेयर करने के बाद हम कहते हैं कि इसकी विलास्टी जो है लेट से 10 किलोमीटर पर सेकेंड है. तो बेसिकली ये जो ए एन है ये आपका वही आंसर है 10 किलोमीटर पर सेकेंड. कि जब ऑपरेटर ए जब कैट ऑफ साई ऑपरेटर ए पर अप्लाई होगा तो आंसर आएगा ए एन विच इज अ रियल नंबर विच इज बेसिकली योर मेयरमेंट रिजल्ट. बात समझ आ रही. So if the result of a measurement of A on state psi is An, the state of the system immediately after the measurement changes to psi N. तो ये है जो वो equation. A आपके पास basically ये operator होना चाहिए था. A should be an operator. ये operator ही wave function पर apply होता है. And this has to be psi, not the psi N. क्योंकि ए साई पर ऑपरेट होगा ए ऑपरेटर साई पर ऑपरेट होगा तो रिजल्ट आएगा ए एन जो कि ये है. और आपकी जो स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाती है टू अनदर स्टेट साई एन. ओके सो ये एक करेक्शन कर ले यहां पर ये एन नहीं आएगा. बहरहाल ये आपका ऑपरेटर है ए ठीक है. तो ये आपके पास जब ऑपरेटर ऑपरेट होगा किसी वेव फंक्शन पे तो वो आंसर देगा मेजरमेंट का रिजल्ट देगा ए एन की शक्ल में और जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है. हमने ये चैप्टर वन में भी पढ़ा है टू में भी पढ़ा है दैट द एक्ट ऑफ मेजरमेंट चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. तो जब हम मेजर कर लेंगे तो ऑफकोर्स जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट है जी टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम. के कोई भी स्टेट वेक्टर साई जो है वो टाइम के लिहाज से भी चेंज हो सकता है. सो द टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट वेक्टर साई ऑफ टी ऑफ अ सिस्टम इज मैनेज्ड बाय द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन.
तो उसके लिए हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेते हैं। ये बेसिकली सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन है। आयोटा एच कट पार्शियल और पार्शियल टी बेसिकली ये ई की वैल्यू है, कैपिटल ई एनर्जी की वैल्यू। सो ई साई इज इक्वल टू एच साई, ये हमने जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली ई की वैल्यू आ गई और जो साई था वो एज अ फंक्शन ऑफ टी लिख देंगे, विच विल बी इक्वल टू द एच ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और साई ऑफ टी एज इट इज आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। तो ये थे इसके फोर पास्टुलेट। नाउ इट इज द फिफ्थ एंड द लास्ट पास्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स नोन एज द प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ मेजरमेंट्स। सो व्हेन मेजरिंग एन ऑब्जर्वेबल ए ऑफ अ सिस्टम इन अ स्टेट साई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वन ऑफ द नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज ए एंड ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ए इज गिवन बाय। अब जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं, मींस ऑब्जर्वेबल ए है तो उसका ऑपरेटर लेंगे, उसको स्टेट साई से अप्लाई करवाएंगे, ऑपरेट करवाएंगे, तो उससे जो आंसर आता है ए एन, जो आपकी आइगन वैल्यू कहलाती है, वो कहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो नॉन डीजनरेट वैल्यू उसकी एग्जैक्टली कब आएगी, तो उसका वो फार्मूला कहते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी आउटकम का जो फार्मूला है वो ये है, दैट पी ऑफ एन, और प्रोबेबिलिटी हम मेजर किसकी कर रहे हैं, फॉर द आइगन वैल्यू ए एन कि वो नॉन डीजनरेट आए, उसका फार्मूला वो कहते हैं कि जो साई एन है ये वो स्टेट है जो मेजरमेंट के बाद आती है, उसका उसका इनवर्स ले लिए, मींस कि उसका ब्रा फॉर्म ले लिए और कैट फॉर्म ली है उन्होंने साई की, जो इनिशियल स्टेट होती है। तो इसका जब वो इनर प्रोडक्ट लेंगे और उसका मॉड स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय द इनर प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल स्टेट साई, तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है दैट विल बिकम्स इक्वल टू ए एन मॉड स्क्वायर, ये जो अपर पोर्शन है। तो ये बेसिकली सिंपल है, साई एन का इनवर्स ले लें और सॉरी दिस वाज साई, ये मैंने आपको बताया था, तो साई एन का इनवर्स ले लें और स्टेट साई ले लें, इसका इनर प्रोडक्ट लें, तो आंसर साई सॉरी ए एन आता है, तो ये एन मॉड स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वैल्यू एज इट इज रहेगी। सो द एक्ट ऑफ मेजरमेंट चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम साई टू साई एन इफ द सिस्टम इज ऑलरेडी इन आइगन स्टेट साई एन ऑफ ए, अ मेजरमेंट ऑफ ए यार्ड्स विद सर्टेनिटी दैट द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ए एन। तो ए एन जब ए ऑपरेटर ए एन पर अप्लाई होगा तो तब भी आंसर ए एन साई एन ही आएगा। तो जब एक दफा मेजरमेंट स्टेट चेंज हो जाती है तो उसके बाद वो उसको रिवर्स नहीं होती, साई एन जो है वो साई नहीं बन सकता, तो ये स्टेट जो है फिर एज इट इज रहेगी। तो ये है उसका फिफ्थ एंड द लास्ट पास्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स नोन एज द प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। दिस इज द बुक दैट वी आर यूजिंग फॉर अवर क्वांटम मैकेनिक्स वन लेक्चर्स, and there are also some other books related to physics students by the Quanta publisher. So if anyone needs any of the book, you can order directly by New Books and Books at this number. Just contact and you will be having the option to have an order for online or cash on delivery or any way you like. तो कोविड की वजह से आप सब जैसे घर बैठे हैं, तो आप बुक अगर आपको चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप बुक जो है वो ऑर्डर करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।